हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके उभरते हुए चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, सुबह के 7 बजे हम लेते हैं मैथ का क्लास, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है और NBE स्पेशल इस समय क्लास चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम लेते हैं टाइम एंड वर्क के टफ लेवल्स के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में सीधे लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बस हम वही लेने वाले हैं। ठीक है, ए का 2 दिन का काम है 23 नंबर। देखिए दोस्तों, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है ना, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस मैं वही को ही ले रहा हूँ। ठीक है ना, बीच का क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। ए का 2 दिन का काम बी के, ये क्वेश्चन 23 है दोस्तों। ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तो काम पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब देखिएगा, यहाँ पे ए रेशियो बी निकालना पड़ेगा। ए है, ये बी यहाँ मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड करेगा, इक्वल टू 3/2। यहाँ बी मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड किया, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा इधर आके 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि ए रेशियो बी हमको पता चल गया 3:2। आखिर सर ये क्या है, ए रेशियो बी जो है वह क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये इनकी इफिशियंसी है, इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता। ये कह रहा है ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है, यानी कि ए जितने 2 दिनों में करता है बी उतने 3 दिनों में करता है। आखिर यही तो कार्य क्षमता हुई। दोस्तों अगर हम टाइम के रेशियो की बात करते हैं तो जो टाइम का रेशियो होता है इसको पलट देते हैं, 2:3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ गए। यदि ए काम को 8 दिनों में करता है, ए दोस्तों यहाँ पे 2 दिनों में कर रहा है ए, लेकिन कह रहा 2 दिनों में नहीं करता, 8 दिनों में करता। कितना गुना दिख है, 4 गुना दिख है। कैसे पता चला, 2 से 8 भाग देंगे 4 आ जाएगा। तो कह रहा बी काम को कितने दिनों में करेगा, अगर यह 4 गुना दिख है तो ये भी 4 गुना दिख, 4 3 12 दिनों में बी काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। बस यार कुछ भी नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे ना तब भी आंसर आ जाएगा। आज टफ लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे टकराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जो जो बीच बीच का जो इजी क्वेश्चन है ना उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को लेना जरूरी है। यदि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ए रेशियो बी, क्या रहा जो ए है ना वह 30% अधिक सक्षम है। अगर ये 100 है तो यह 130 हो जाता है। सक्षम मतलब क्या, इनकी इफिशियंसी, सक्षम मतलब होता है इनकी इफिशियंसी। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब इफिशियंसी दे या मतलब क्षमता दे तो जान लीजिए इफिशियंसी है। यहाँ पे यह कह रहा है ए की कार्य क्षमता इसे 30% ज्यादा, इसका 100 है तो 30 ज्यादा, तो 30 जोड़ेंगे तब ना 100 में 30 जोड़ेंगे 130 होगा। आप देखिए 0 से 0 कैंसिल, 13:10 आ गया। कह रहा है और वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है। दोस्तों टोटल वर्क का आपको फार्मूला मैंने शुरू में लिखवाया था, टोटल वर्क का फार्मूला लिखवाया था टाइम इंटू इफिशियंसी, ये दोस्तों होता है टोटल वर्क। ठीक है, तो टाइम ए कितना ले रहा है दोस्तों, ये कह रहा है यदि ए 23 दिन में कर सकता है, ठीक है ना, टोटल वर्क हमें टोटल वर्क हर हाल में निकालना पड़ता है। 23 दिन में कर रहा है, इसकी कार्य क्षमता दोस्तों 13 है, देखिए एक की कार्य क्षमता 13 है, तो ये टोटल वर्क होगा। कह रहा है इस टोटल वर्क को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 23 × 13, जब भी ए तथा बी मिलते हैं मिलकर करते हैं ना तो इनके एफिशिएंसी से हम जोड़कर डिवाइड कर देते हैं। 13 और 10 मिनट कितना हो जाएगा 23, तो 23 से 23 कैंसिल, 13 बचा, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अब कोई डाउट रह गया क्या, अब इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, आराम से आप लोग क्वेश्चन को समझिए और आराम से क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए अभी जो भी क्वेश्चन उसको आप सभी लोग कर सकते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि ए बी और सी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ए बी की तुलना में 2 गुना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी हमें फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा यदि ए बी और सी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते, उधर अभी छोड़ दीजिए,
यदि ए बी की तुलना में दो गुना है, जो ए है ना यह बी की तुलना में दोस्तों कितना है, दो गुना। ध्यान से देखिए अभी मैं कैसे बना रहा हूँ क्वेश्चन को, दो गुना है और सी की तुलना में तीन गुना है। अगर सी का दोस्तों हम एक मानते हैं तो यह तीन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है यह जो ए है ना इससे तीन गुना ज्यादा है सी ए, तो अगर यह एक है तो यह तीन गुना ज्यादा है। लेकिन यह भी कंडीशन दे रखा है कि जो जो ए है ना, यदि ए बी की तुलना में दो गुना, ए है इससे दो गुना ज्यादा, यानी कि यह तीन बटा दो हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे आपने किया, अभी समझिएगा अच्छे तरीके से। कह रहा है इससे ये दुगुना, ए वाला दुगुना है ना, तो ये दुगुना तो सिंपल सी बात आधा होगा कि नहीं होगा, यही तो बात हुआ। अगर यह दुगुना है दोस्तों तो ये आधा होगा, तो इसका आधा यही तो होगा, तो हमने दो से भाग कर दिया, इसका आधा हो गया बस। अब क्या करते हैं, यहाँ पे तीन रेशियो, तीन बटे दो रेशियो है ना, यहाँ पे हम दो का गुणा करा देते हैं, दो सब में दो का गुणा, क्यों, ताकि ये जो दो है वो कट जाए। तो क्या दो से दो कट जाएगा, तीन दूनी छह रेशियो, तीन रेशियो दो करने दो, ठीक है ना। अब ये कह रहा है यानी कि इनकी कार्य क्षमता का रेशियो दोस्तों यही आ गया, इफिशियंसी का रेशियो छह रेशियो तीन रेशियो दो आ गया। कह रहा है ये जो अभी हम टोटल वर्क अगर निकाल लेते हैं तो टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी, ठीक है ना। तो टोटल वर्क छह दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं, टाइम छह दिन, इफिशियंसी तीनों का छह तीन नौ तो ग्यारह, ये हो गया टोटल वर्क। अब ये कह रहा है कि सी कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो दोस्तों जो आंसर होगा टोटल वर्क में हम क्या करेंगे पता है, टोटल वर्क छह गुणे ग्यारह है, सी से काम को करवा रहा है, सी की कार्य क्षमता दो है ना, इसी से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे, दो एक कम दो तीन छह ग्यारह तीन तैतीस, हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। और हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, किसके साथ चले जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए के साथ। चलिए क्वेश्चन थर्टी की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, बीच बीच के क्वेश्चन छोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस उसी की बात हम करने वाले हैं आज। चलिए एक मोमबत्ती वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रम से चार और छह घंटे में पूरी तरह जल जाती है, ठीक है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात दो रेशियो तीन हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां चार घंटे में जल रही है और एक क्या हो रहा है दोस्तों छह घंटे में जल रही है, ठीक है ना। तो टोटल हम ये मान लेते हैं, ये जो है चार, यहाँ पे बारह ले लिया, बारह किलोमीटर की जल मान लीजिए दोस्तों, जो मोमबत्ती है ना हमने मान लिया जो मोमबत्ती वो बारह किलोमीटर की है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, चार घंटे में ये जल जा रही है ये वाला, और ये वाला छह घंटे ले रही है, ठीक है ना। अब ये बारह किलोमीटर असलियत मत मान लीजिएगा, बारह किलोमीटर बस है, ठीक है ना। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करें, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, माना माना ये एक्स समय तक जलती, कितने समय तक, एक्स समय तक जलती है, कितने समय तक दोस्तों, एक्स समय तक जलती है। तो पहली मोमबत्ती ध्यान से देखिएगा, पहली मोमबत्ती क्या करेगी दोस्तों, एक्स घंटे में तीन एक्स जल जाती, कितना, तीन एक्स जल जाती है। अब सोचेंगे सर ये कैसे, चार से बारह में भाग दिया तीन और छह से बारह में भाग दिया दो। अब एक बात बताइए, इससे अब कोई मतलब नहीं रहा, तो मैंने आपको हजारों बार बताया है ये इसकी कार्य क्षमता है। अब देखिएगा, ये तीन जल रही है और एक्स समय तक जल रही है, तो ये तीन एक्स जलती है और ये कितना एक्स जलती है दोस्तों, दो एक्स जलती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात दो बट्टे तीन हो जाएगा, दो बट्टे तीन होना है ना। तो यहाँ देखिए टोटल कितना दोस्तों, यहाँ बारह है ना, बारह में से ये तीन एक्स जल जाती है और यहाँ नीचे वाले दूसरे वाले बारह में से दो एक्स जल जाती है, बस एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रम से चार घंटे और छह घंटे में पूरी तरह जल जाती है, चार घंटे और छह घंटे में क्या करती है, पूरी तरह जल जाती है, ठीक है। और दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय जलना, यानी कि जितने समय ये जल रही है ना उतने समय यह भी जल रही, इसीलिए हमने यक्ष माना है ना, और तीन का यक्ष में गुणा कराएंगे, ये तीन यक्ष जलती है और ये दो यक्ष जलती है, ठीक है ना। और जलने के बाद ये दो बट्टे तीन हो जाता, तो हम क्या करेंगे, बारह जलना था तीन यक्ष जल गई तो घटा देंगे तीन यक्ष, इसको बारह जलना था दो एक जल चुकी, दो एक घटाएंगे दो बटा तीन बचेगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
भारतीया 36, 3 त्रिका 9x बराबर 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4x। अब देखिएगा यह माइनस 9 सुधर जाकर प्लस 4x, मतलब माइनस 9x उधर जाकर प्लस 9x माइनस 4x 36 है, या प्लस 24 इधर आकर माइनस 24, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36 में 24 जाएगा 12 बराबर 9 में से 4x जाएगा 5x, तो x बराबर हो जाएगा 12/5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो 12/5 अर्थात 12/5 घंटे बाद, ऑप्शन ए के साथ फिलहाल में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बताइए समझ में आया या नहीं आया, मजा आ रहा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लेते हैं दोस्तों एग्जामिनर, तो फिर हमें उसके लिए भी क्या कर रहना पड़ता है दोस्तों, तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है चार, अब यहाँ देखिए एमडीएच वाला फार्मूला यहाँ पर आ गया ना, एमडीएच वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है एमडीएच, ठीक है ना, आपको जानना चाहिए। चार आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, चार आदमी हैं किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं बस, और कह रहा है 3 औरतें उसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, 3 औरत गुणे 16, 3 औरतें उसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, ज्ञात करो कि 1 आदमी और 2 औरत उसी काम को कितने देर में करेंगी। पहले इसका हमें इफिशियंसी निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 6×4 = 24 एम बराबर 16×3 = 48 ओमेन, काट दीजिए 24 से कम 24, 24×2 = 48, 1 एम बराबर 2 ओमेन। तो अब रेशियो निकालेंगे एम बाई डब्लू का 2:1 का, यदि आदमी 2 काम करता है तो औरत सिर्फ 1 काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ गया ना, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों, टोटल वर्क के लिए आपको m का वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा, तो 4m × 6 है ना, तो 4 × m के जगह पर 2 × 6 तो कितना हो जाएगा 4×2 = 48, टोटल वर्क दोस्तों कितना हो गया 48। कह रहा इसी टोटल वर्क, इसी 48 काम को कह रहा 1 आदमी और 2 औरत कितने दिनों में करेंगे, 1 आदमी m + 2 ओमेन कह रहा 1 आदमी और 2 औरत कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना, 48/ एम की कार्य क्षमता कितनी है 2 है, प्लस 2 × औरत का 1 है ना, तो वोमन की आप 1 रख देंगे, 48/2 + 2 = 2, 48/2 × 4 या जाएगा 12, कितना जाएगा 12, यानी कि 12 उसी काम को कितने देर में करेंगे तो 12, तो ऑप्शन बी के साथ फिलहाल में जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को 1 बार लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, आप लोग सिर्फ ओनली 1 टाइम जो है लाइक कर दीजिए ताकि मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 34 10 पुरुष या 20 औरतें या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा भाग कितने समय में कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है मैन को हम एम लेंगे, चाइल्ड को सी और औरत को डब्लू कर देंगे, ठीक है ना, 10 आदमी, ठीक है ना, 10 आदमी 20 औरत और 40 बच्चे, 40 बच्चे किसी काम को 7 महीनों में कर सकते हैं, यानी कि 7 का इसमें भी 7 महीनों में कर सकते हैं दोस्तों, 7 से 7 सब में है ना, तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है ना, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे कह रहा है अब यहीं से दौड़ देंगे कुछ कटेगा, 10×1 = 10, 10×2 = 20, 10×4 = 40, यानी कि 1m = 2w = 4c, आपको एक तरीका बता रहा हूं, अब यहाँ से इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, m रेशियो w रेशियो c, पता है 1 है ना 1/1 कर दीजिए, 2 है ना तो 1/2 कर दीजिए, 4 है तो 1/4 कर दीजिए, इफिशियंसी निकालने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये नीचे से इसको हटाना है तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से ही क्यों गुणा किया, 4 और 2 का LCM ले लीजिए, उससे भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना, 4 करने 4, 2 करने 2, 2 दूना 4, 2 करने 2 हो जाएगा, फिर 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 1 हो गया, तो दोस्तों जो इफिशियंसी हो गया, आदमी एक दिन में 4 काम करता है, औरत एक दिन में 2 काम और बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं दोस्तों, टोटल वर्क शुरू में क्या था, 10m × 7 हमने लिखा था ना, क्या लिखा था 10m × 7, 10 × m के जगह पर ये देखिए 4 आ गया, 4 लिख देंगे × 7, तो 10×4 = 40, 40×7 = 280,
टोटल वर्क दोस्तों कितना है, 280 है हमारा टोटल वर्क, ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, टोटल वर्क 280 है। फिर आगे कह रहा है, अभी देखिए इसको ये कर सकते हैं ना, इसको मिटा दे, दिख रहा नीचे ना, उसी के नीचे करवा दें। हाँ चलिए थोड़ा बहुत दिख रहा, थोड़ा सा ही दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर दे, ठीक है। चलिए कह रहा है इस कार्य का आधा, इस कार्य का आधा हो गया 140, ठीक है ना, दिया है क्वेश्चन में कि इस कार्य का आधा, तो 280 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 140। इस कार्य का आधा कितना करा रहा है, पांच पुरुष से, पांच मैन से, ठीक है ना, और पांच औरत से और पांच बच्चे से करा रहा है, ठीक है ना, तो 140 बटे पांच, सब में कॉमन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। एम का एफिशियंसी दोस्तों कितना है, यहाँ पे चार है, प्लस वोमेन का एफिशियंसी दो है और चाइल्ड का एफिशियंसी एक है, तो हो जाएगा एक पांच से, यहाँ पे 140 बटे पांच गुणे चार दो छत। यार कई लोग यही नहीं समझ रहे सर ये कैसे हो, पांच सब में मौजूद था ना, हमने पांच को बाहर कर दिया, तो एम प्लस डब्ल्यू प्लस सी बचा, एम के जगह पे चार, हमने चार रख दिया, डब्ल्यू के जगह पे दो है दो रख दिया, और सी की जगह पे एक रख दिया, सात से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर पांच एक पांच, पांच छोके 20, चार हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले, किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हमारे पास, हमने तीन क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो आप सभी को हिंदी में उसके, सॉरी, यदि 10 दिन में 10 मुर्गी 10 अंडे देती है तो 30 मुर्गी 30 दिन में कितने अंडे देगी, ठीक है ना, एक फार्मूला होता है दोस्तों, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2, ये फार्मूला पता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर 30 नहीं रहेगा, आंसर में दोस्तों क्या करता रहा, 30 भी देता, लेकिन ये नहीं रहेगा कभी भी। तो देखिए 10 दिन में 10 मुर्गी है, ठीक है ना, 10 दिन में 10 अंडे देती है, 10 अंडे दे रही है, वही तो उसका कार्य हो गया दोस्तों, और क्या हुआ, तो कह रहा 30 मुर्गी, मतलब M2 के जगह पे 30 दे रहा था, 30 मुर्गी 30 दिनों में, D2 के जगह पर 30 कितना अंडे देगी, यानी कि ये W2 पूछ रहा है, ठीक है ना, अब देखिए ये इसे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या बचेगा, W2 का 10 में गुणा करेंगे, 10 × W2 बराबर 30 × 90, 900 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, W2 बराबर 90। यार इस तरह के क्वेश्चन की फार्मूला आप देख लीजिए, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2, M1 मतलब होता आदमी जो कार्य को कर रहा, कोई भी रहे ना कार्य को कर रहा, तो ये 10 मुर्गी कार्य कर रही ना, तो M1 की जगह पे 10 कर दिया, 10 दिन में कर रही है, तो D1 की जगह पे 10 कर दिया, H1 नहीं दिया मतलब घंटा नहीं दिया है, और 10 अंडे देती, यानी कि जो ये अंडा देने का कार्य है ना वो हो जाएगा W1 उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, W1 यानी कि 10 हो गया। फिर 30 मुर्गी 30 दिन में, 30 मुर्गी मतलब 30 आदमी 30 दिन में, D2 के घंटा नहीं दिया है तो कितने अंडे देगी, W2 हो गया, फिर आपके उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यार ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है, तो आप सभी के लिए जो है ये चीज आपको आना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 37, कह रहा है 22 पुरुष एक काम 16 दिनों में पूरा कर सकते, वही बात फिर है, फिर वही M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2, कह रहा है 22 पुरुष, यानी कि M1 की जगह 22 दिया है, 22 पुरुष एक काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, D1 की जगह पे 16 दिया है, ठीक है ना, वही काम है, चूंकि काम यहाँ पे बराबर है, ठीक है ना, 1 कर देंगे चाहे नहीं करेंगे तब भी, कह रहा है 32 पुरुष M2 के 32 दिया है, यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, D2 का वैल्यू पूछ रहे हैं, 1 रहेगा, मतलब काम नहीं दिया तो इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे D2 कितना हो जाएगा, 22 × 16, 32 से गुणा करा इधर आके दोस्तों भाग करेगा, बस यार यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड करेगा, 16 × 16 = 22, 2 आ गया ना, फिर 2 से 2 × 2 2 × 11 = 22, यानी कि D2 का जो हमारे पास आ गया दोस्तों 11 आ गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे क्वेश्चन पूरा चुटकियों में उड़ा सकते हो, बस आप बैजनाथ सर के साथ बने रहो लास्ट तक, सुबह 7 बजे वाला क्लास मैथ का और शाम 7 बजे वाला रीजनिंग का, ये क्लास अगर आप रेगुलर लेते हो ना, मतलब 2-3 महीने तक ना, तो काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे आप सभी। कह रहा है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, मानव व्यक्ति थे एक्स,
100 दिनों पूरा कर किया जा सकता था, यक्ष गुणे 100 काम एक था। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण। पहले यक्ष व्यक्ति थे तो दोस्तों 10 व्यक्ति अनुपस्थित मतलब 10 नहीं आते, यक्ष में 10 घटा दीजिए, जब 10 घटा दिए ना तो वह 110 दिनों में हुआ, तो वह 110 दिनों में हो गया और वही काम था। यक्ष का वैल्यू निकालना है तो इस जीरो से यह जीरो कैंसिल हो गया, 10 यक्ष में 10 यक्ष बराबर 11 के एक्स में 11, 11 दही में 110 हो गया। यह माइनस 110 इधर आके प्लस 110, 11 एक्स है या प्लस 10 उधर जाके माइनस 10, 110 बराबर 11 में से 10 जाएगा 1 एक्स, यानी कि एक्स बराबर आके 110। हम यही हमारा दोस्तों शुरू में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, 110। दोस्तों टाइम एंड वर्क का एक वीडियो अपलोड किया था उधर, और ऑलरेडी आपके चैनल पर जो है मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स में टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। इसको तो मैं वैसे ही करा दिया हिंदी और इंग्लिश के वजह से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हो सके परसेंटेज या फिर जो आप कहेंगे वो डिमांडिंग टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।